कैसे होगा इस रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है। आई मीन ज़्यादा दूर भी नहीं है यार, आप लोग किसी से भी पूछ लेना, बट बहुत से लोगों को नहीं पता रहता कि मतलब कितना दूर है क्या है। तो वैसे मैप पे सर्च कर सकते हो, आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, बस 1 से 1.5 किलोमीटर का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। जय श्री महाकाल। कई जगह इसलिए भीड़ है क्योंकि अभी आजकल पूरा त्योहारों का ही टाइम चल रहा है, रमजान भी चल रहे हैं एंड सब कुछ चल रहा है। देखो भाई, हाँ भाई ये न्यूज़ में आ जाएंगे हमारे भाई। तो गाइस एक भाईचारे की भावना को लेके निकलते हैं अपन लोग, कोई भी। एंड गाइस सजावट देखो कितनी मस्त है, अभी मैं नाइट में भी दिखाऊंगा आप लोगों को, नाइट का व्यू ही दिखाने आया हूँ मैं। नाइट का जो व्यू रहता है ना बड़ा काफ़ी अच्छा रहता है। गाइस इस टाइम जो व्यू रहता है ना वो बहुत बहुत अमेजिंग रहता है, क्योंकि इस टाइम है ना सब लोग बाहर निकलते हैं एंड ज़्यादातर इस टाइम ही घूमने जाते हैं लोग। ओके सो गाइस देखो यहाँ पे भैया कितनी सेवा कर रहे हैं, एंड समोसा 5 रुपये सस्ता एंड कचौड़ी 5 रुपये, तो मतलब ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो सामने मंदिर है। तो गाइस ये भाईचारे की भावना को लेके यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यार, क्योंकि हर इंसान को इंसान का पेट भरे मतलब कम से कम पैसों में तो सही रहता है। ओके सो गाइस फाइनली मेरे को यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे, एंड यार मैं क्या करूँ आप लोगों को बहुत, एंड यार बच्चे बड़े प्रो है यार, कोई मेरे को राइडर बोल रहा है, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, तो वो सही है। बाय। हाँ यार यही तो लाइफ है ब्रो। जय श्री महाकाल। ओके सो गाइस फाइनली मैं यहाँ से एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ से अंदर ऑटो वगैरह अलाउड नहीं रहती एंड यहाँ से अंदर कुछ भी अलाउड नहीं रहता, सो मैं कुछ ही टाइम में पहुँचने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो गाइस, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था, कुछ लोग सोचते हैं यार महाकालेश्वर बहुत दूर है एंड ऐसा वैसा, बट ऐसा नहीं है, बहुत पास में है महाकाल म्यूजिक भाई। क्या सच सही है एकदम। तो भाई इधर चाट वगैरह सब कुछ है, कुछ भी खा सकते हो। एंड यहाँ पे महाकाल से लेके हर चीज़ पे, कुर्ता भी महाकाल का मिलेगा, टी शर्ट भी महाकाल की मिलेगी आप लोगों को, हर चीज़ महाकाल के नेम से फेमस है यहाँ पर। ₹5 का भाई मेरे पास पैसे ही बहुत सामान है। जय श्री महाकाल। गाइस मैंने फाइनली परमिशन लेके शूट किया है, क्योंकि पहले मतलब बहुत सी जगह परमिशन होती नहीं है, सो मैं आज आप लोगों को नाइट व्यू दिखाने हैं। आई मीन दिन के टाइम तो सब लोगों ने दिखाया है, बट आज मैं आप लोगों को नाइट व्यू दिखाता हूँ। एंड एक रास्ता यहाँ से अंदर जाने का और एक रास्ता उस साइड से, एक रास्ता यहाँ से अंदर जाने का और एक यहाँ से आप निकल भी सकते हो, एंड ये तो बहुत तगड़ी वाली है। सो भाई शाम को इतनी भीड़ ज़्यादा रहती है इसलिए मैं शाम को आया हूँ, आई मीन शाम को बहुत बहुत तगड़ी वाली भीड़ रहती है, बहुत तगड़ी। एंड गाइस शाम को भी देखो अपना कैमरा, आई मीन आईफोन अभी यहाँ फेल हो जाता, आईफोन कोई सा भी होता आईफोन वो यहाँ पे फेल हो जाता, क्योंकि जो नाइट में कैप्चर करता है ना वो सिर्फ कैमरा कर सकता है। सो देख सकते हो आप लोग कितनी तगड़ी क्वालिटी आ रही है, बस यही तो अपन लोगों को चाहिए। एंड मेन चीज़ होती क्या है कि शाम को लोग निकलने पसंद करते हैं, आई मीन उज्जैन के लोकल के लोग तो शाम को ही आते हैं टोटल, एंड ये तो मस्त है भाई। एंड ये भी देखो मस्त है, अपन लोग बैठ के देख सकते हैं इसमें। अक्षरावत निकालो। एंड गाइस ये देखो अपन इसको ड्राइव करने वाले हैं, एंड ये भाई मिले थे
ओ भाई फोन कौन सा चला रहे हो ये? फोल्ड 3। सही है भाई। ये भाई देखो नीचे देखना और भी मतलब ऐसी चीज़ों की वीडियोस हैं। बाकी सब दिल्ली वगैरह की डालता रहता हूँ थोड़ी सी वो चिल टाइप की। ये कब आएगा वीडियो? ये आएगा भाई अभी एक दो दिन तो लगेगा इसमें यार। घर पहुँच एडिटिंग और घर पहुँच के डालूंगा मैं इसको थोड़ा भी। लैपटॉप वगैरह में एडिटिंग होती है सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हो भाई कहाँ से हो? मैं सूरत। सूरत यहाँ क्या करते हो? अच्छा घूमने आए हो? हाँ। अकेले घूमने आए हो? नहीं पापा मम्मी। अच्छा हैं। सही है भाई घूमो। वहाँ पे व्यू मस्त है। हाँ अच्छा उधर हाँ। अंदर को? अंदर को नहीं बाहर से। ओके सो गाइस ये व्यू आई मीन नाइट का व्यू आप लोगों को किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैं मेन चीज नाइट का व्यू दिखाने आया हूँ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ये एकदम बढ़िया। पहले मैं परमिशन लेके आया हूँ लेकिन मेरे को पहले इससे पहले परमिशन नहीं था बिल्कुल ही परमिशन नहीं था। एंड गाइस मैं इधर ज़्यादा भीड़ है उस साइड से दिखाऊँगा मैं। बहुत तगड़ा व्यू आने वाला है एकदम इतना तगड़ा व्यू आने वाला है ना कि आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड यहाँ पर भी आप जूते सब जूते चप्पल कुछ भी रख सकते हो। मैं देखो यहाँ पर जूते चप्पल अक्षरावत। सो गाइस ये यहाँ पे अक्षरावत। सो गाइस यहाँ से देखो ये पूरी व्यवस्था है आई मीन काफ़ी अच्छी व्यवस्था है भाई। ये चीज़ मैं उज्जैन की पुलिस या मतलब उज्जैन के जो कार्यकर्ता लोग हैं ना बहुत अच्छा है आई मीन एक भी पैसा नहीं लिया फ़ोन रखने का कैमरा रखने का कुछ भी नहीं लिया। हाँ उधर अभी मैं जाऊँगा। सो गाइस पहले अभी इधर मैन कवर कर लेते हैं। तो भाई ये पुलिस वालों का सही सिस्टम कहीं भी अपना रोक जमा नहीं दें तो भाई सही है। एंड गाइस मैं यहाँ से आप लोगों को समझा देता हूँ आई मीन मैं भी मेरे को भी दिक्कत आती है जाने में बट देखो आप लोग यहाँ से फ़ोन जमा कर सकते हो अंदर। आपके पास फ़ोन है मोबाइल है जो भी है आप ये यहाँ से जमा कर सकते हो लैपटॉप वगैरह कुछ भी जमा कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग इधर आओगे सो इधर आपको लंबा जाना पड़ेगा। एंड कुछ लोग तो इसके ऊपर से कूद जाते हैं तो भाई ऊपर से कूदना गलत है। एक बार मैं भी कूदा था बट मेरे घर वालों ने समझाया था कि ऊपर से कूदना थोड़ा सही नहीं है। बट यहाँ से आप लोग ऐसे जाओगे सीधे जाओगे एंड उधर से ऐसे टर्न होके आओगे ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यहाँ से मतलब एंट्री गेट इसका यहाँ पे है। ये देखो एंट्री गेट इसका यहाँ पे है। यहाँ से एंट्री होती है बट अभी भीड़ ज़्यादा है ना तो ऐसे घूम के आते हैं और घूम के आते हैं तो मतलब टाइम बट जाता है इसलिए सही रखा है। पूछ के आओ भैया अंदर। ओके सो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है एंड इससे भी आप लोग घूम सकते हो भाई काफ़ी अच्छा बन रहा है यार। ये तो ये देखो हनुमान जी की मूर्ति है एंड काफ़ी अच्छी जगह है। सो गाइस काफी अच्छा व्यू दिख रहा है। पीने का पानी मैं इस साइड आ गया। इस मेरे को पानी भी लग रहा है मैं हेट जाना पड़ेगा आगे से जगह बहुत जोर का प्रेस लग रहा है मेरे को पानी हो गया। लोकल उज्जैन वाले ही लगा सकते हैं। वैसे तो सब लोग जूते पहन के आए हैं लेकिन मैं नंगे पैर आया हूँ। भाई बहुत बहुत तगड़ी वाली चीज दिखाने वाला हूँ।
सच में ये महाकाल लोक है एकदम। गाइस यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, शुल्क शीतल जल पीने का पानी, तो मैं यहाँ पे पानी पीने का सोच रहा हूँ बट मेरे पास बोतल नहीं है। यहाँ पे आप लोग उल्टा सीधा कर सकते हो कुछ, एंड मैं गाइस पानी पीने के लिए आया हूँ अभी। ओके सो गाइस कैमरा तो ये लोग निकालने नहीं देते, आईफोन से ही शूट कर लेता हूँ, बट है ना रात के टाइम आईफोन से ज़्यादा शूट नहीं देखा यार। ये देखो कितना अच्छा, इतनी अच्छी मूर्तियाँ ये लोग लाए कहाँ से, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। बहुत तगड़ा बनाया है यार, मैं कभी आपको दिन के टाइम भी शूट दूंगा, आई मीन जब भीड़ कम होती ना तो वो लोग कैमरा निकालने देते हैं, बट ठीक है आईफोन से जैसी आती है वैसी आप लोग देखते रहो। सच में यार जब इतना बुरा लगता है ना जब कैमरा नहीं निकालने देते मैं चीज़, तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बट कोई ना आप लोग ऐसे ही व्यू देख सकते हो कितना तगड़ा व्यू है भाई। मतलब लाइटिंग इतनी तगड़ी है, इस मेरा अगर कैमरे से शूट होता ना इतनी तगड़ी वीडियोस आती भाई, बहुत तगड़ी आती एकदम मस्त वाली, बट यार क्या कर सकते हैं। हालांकि मेरे को एक भैया ने बोला था मतलब भीड़ कम हो जाए तो निकाल लेना, बट मेरे को वो बोल रहे थे लेकिन मैंने आपसे बोल दिया, लेकिन आप पे चार्ज भी लग जाएगा, यहाँ पे कैमरा वगैरह निकालना बड़ी दिक्कत है। सुबह निःशुल्क शीतल जल पीने का पानी एक व्यवस्था यहाँ पे भी है पीने के पानी की, एंड भाई काफ़ी अच्छा रिलैक्स हो, सारी थकावट दूर हो गई मेरी यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छी जगह है भाई। पीछे बहुत बड़ा लोक, महाकाल लोक। सो वही एंड गाइस इसको मैं पूरा कवर करते करते थक जाऊँगा। यो सो गाइस भाई कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे भीड़ होना ही नहीं है कभी, मुझे लगता है एमपी में सबसे अच्छी जगह है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, भवन टाइप का लग रहा है। ओके सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो भाई बहुत तगड़ा व्यू है महाकाल लोक। गाइस महाकाल लोक सच में ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए हूँ, आई जन्नत कुछ ऐसी ही होती होगी, मैं देखा नहीं है अपने, बहुत सही है। बट मुझे को यहाँ से पानी चल रहा है, इसमें मस्त पानी चल रहा है गाइस। यार ये जो बहुत तगड़ा है, एक मैं नाइट ब्लॉग जानबूझ के लेके आया हूँ, नाइट ब्लॉग कोई नहीं देता यहाँ पे, आई मीन नाइट ब्लॉग में क्या रहता है क्या नहीं है, सब लोग दिन का व्यू देते हैं, इसलिए मैं नाइट का ब्लॉग लेके आया हूँ। एक दिन होगा जिस दिन अपन लोग दिन का ब्लॉग लेके आएंगे गाइस, क्वालिटी में और भी अच्छी देता, बट क्या है यार यहाँ पे है ना थोड़ा सा दिक्कत रहती है इसकी, इन लोगों की दिक्कत रहती है, इन लोग कैमरे नहीं निकालते हैं, कितना तगड़ा व्यू लग रहा है आप लोग देख सकते हो, जन्नत जन्नत। इंसान घुसता नहीं है, कहाँ ही गया है। लेकिन
एंड नाइट में होता क्या यार, एक यहाँ पे कैमरा नहीं निकालने देते यार, मैं आईफोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, आईफोन से तो ऐसी आएगी देखो यार, फिर भी ठीक ठाक आ रही होगी, बट यार क्या कर सकते हैं, रात में आईफोन तो ख़त्म हो जाता है, एंड्रॉयड उससे अच्छी वीडियो देता है, क्या कर सकते हैं। सुबह जी यहाँ पर देखो कितने मस्त ये पत्थर हैं, ये ओरिजिनल है, ये लगे नहीं हुए, सारे पत्थर ओरिजिनल है, कहीं नदियों से ला के डाला गया है इनको। मैंने ही आपको दिया और तो आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि नाइट व्यू बहुत कम लोग कैप्चर करते हैं। मैंने सोचा यार कि नाइट व्लॉग किसी भी गाइस, मैंने वेट किया एंड मैं नाइट का व्लॉग शूट किया। शायद किसी ने डाला हो, मुझे लगता है यहाँ तक सब लोगों ने इनका ही व्लॉग डाला, बट मैं नाइट व्लॉग डालता हूँ। यहाँ पर नाइट में ज़्यादातर उज्जैन के लोग रहते हैं, क्योंकि वो इस टाइम यहीं रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, घूमते हुए रहते हैं। भाई हमारे यहाँ पर होता मैं तो रोज़ आता। ओके सो गाइस, फिर भी मैंने एक जगह कैमरा निकाला था, कैमरा यार ऐसी जगह पे कैमरा इसलिए अलाउड नहीं रहता, क्योंकि मतलब इस मान लो कि मैंने इनके फ़ोटो निकाल के बेच दिए, सेल कर दिए, इसलिए यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं रहता। सो फ़ोन से ही शूट करता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट क्या कर सकते हैं। एंड में कैमरा तो अंदर रख के अचार डाल रहा हूँ इसका, क्योंकि यार ये देख रहे हैं ना, ये लोग मेरे को कैमरा निकालने नहीं दे रहे, दो बार मैं निकाल चुका कैमरा, बट ये बहुत गंदे लोग हैं। अपन पहले अच्छे से यूट्यूबर बनते हैं, फिर अपन लोग ऐसा करेंगे एक अपना महाकाल लोग बनाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, बट मन तो ऐसा ही करता है कि जो इंसान मतलब रोक टोक कर रहा है ना, वो अपने पास होना चाहिए। लेकिन महाकाल का मंदिर ज़रूर बनवाऊंगा, महाकाल लोक नहीं बनवाऊंगा तो क्या होगा, वही मेरा महाकाल लोक रहेगा, फिर वहाँ पे कैमरा निकालेंगे। गाइस ट्राईपॉड तक नहीं निकालने दे रहे, ट्राईपॉड, बट कोई ना जैसी आ रही है। वैसे यार इस साइड लाइटिंग अच्छी है, उस साइड लाइटिंग अच्छी नहीं थी तो उस साइड बेकार आ रहा था, बट इस साइड लाइटिंग अच्छी थी। भाई ये व्यू कितना मस्त है यार, देखो ये बहुत तगड़ा है। एंड